तो ओके डियर, इस तरह से जितनी भी आपकी डिमांड थी वो सारी की सारी डिमांड मैंने आपको बता दी है। और क्या इसमें कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है, टोटल डिमांड, ये सारी डिमांड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था पिछले लेक्चर्स में। आज जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज द डिज़ाइन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। डिज़ाइन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम के लिए डियर मैंने आपके लिए एक पिक्टोरियल चार्ट बना के लेके आया हूँ। इस पिक्टोरियल चार्ट के थ्रू आपको मैक्सिमम डाटा जो भी होगा वो कवर होगा, क्योंकि अगर आपको ये याद करेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये पिक्टोरियल चार्ट एक ऐसा चार्ट है, आप किसी भी इंटरव्यू पर्पस से जा रहे हो तो आपको ये चार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको बोल दिया जाता है कि रॉ वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन कीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में तो सबसे पहले यही उठता है कि सर हम डिज़ाइन कैसे करें। तो आज आप ये सोच लीजिएगा कि इस पिक्टोरियल चार्ट से आपका 1 और 2 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा। या तो आप जेई एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं या एई एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, बट बड़े एग्ज़ामों में भी जो मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे भी मिलती है। तो देखते हैं आपके पास जो सबसे पहला हमारा जो वाटर सप्लाई स्कीम का जो कंपोनेंट्स होगा दैट इज़ द सोर्स। सबसे पहला जो सोर्स है हमारे पास, और मैंने आपको बताया है कि जो आपका सोर्स हो सकता है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? सोर्स आपका सरफेस सोर्स भी हो सकता है और सब सरफेस सोर्स भी हो सकता है। सरफेस सोर्स अबव द ग्राउंड एंड सब सरफेस सोर्स बिलो द ग्राउंड, कि जो पानी आपके ग्राउंड के ऊपर मिल रहा है उसको हम सरफेस सोर्स बोलते हैं और जो ग्राउंड के नीचे का वाटर है उसको हम सब सरफेस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये सोर्स कैसा होना चाहिए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए 4 रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। पहली कि वाटर की क्वांटिटी होनी चाहिए, कि जो आप सोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो सोर्स इतना पानी तो होना चाहिए कि उसमें सफिशेंट वाटर हो, पानी आपका लॉन्ग टाइम तक चले। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक दिन के लिए पानी ले जा रहे हैं या एक साल के लिए पानी ले जा रहे हैं। आप जितने सालों के लिए इस वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन कर रहे हैं, 30 to 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उतने सालों तक तो यहाँ पे आपका सोर्स से पानी क्या रहना चाहिए? कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए। और दूसरी बात सर, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, बिल्कुल। इसकी सर क्वालिटी होनी चाहिए, क्लियर है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने किसी भी सोर्स को डिज़ाइन करते हैं। सोर्स के बाद जो भी आपने पानी को आप क्या करोगे, एक किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करोगे, और जिस भी स्ट्रक्चर में आप स्टोर करोगे उसको क्या बोला जाता है? उसको हम इनटैक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम इनटैक बोलते हैं। अब इनटैक से आपका पानी क्या करोगे, आप डायरेक्ट घरों में तो नहीं पहुंचा पाओगे। ऐसा तो नहीं कि आपने इंटैक्ट में पाइप लगाई और अपने डायरेक्ट घरों में पानी पहुंचा दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इंटैक्ट से एक पाइप पास करवाई, दैट इज द मेन पाइप, उसका नाम है दैट इज मेन पाइप। और मेन पाइप को आप कहां पे ले गए? मेन पाइप से आप ट्रीटमेंट चैम्बर में ले गए, यानी कि ट्रीटमेंट यूनिट्स में ले गए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कहां ले गए, ट्रीटमेंट यूनिट में ले गए। भाई पानी को अब आपने साफ वो भी तो करना है, क्योंकि जो सोर्स का पानी हो सकता है उसमें काफ़ी सारे फ्लोटिंग मटेरियल हो सकता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो, ठीक है। तो उसका हमें कहीं ना कहीं हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट यूनिट के यहाँ पे मैंने आपको 4 चैम्बर दिखाए गए। कितने चैम्बर? जो पहला चैम्बर्स है आपका उसको मैं बोलूँगा दैट इज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। पहले चैम्बर्स का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज PST, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। दूसरे टैंक का नाम लिखूंगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। और जो तीसरा मेरा चैम्बर है, यानी कि तीसरी जो ट्रीटमेंट यूनिट है, उसको मैं नाम दूंगा फिल्ट्रेशन। और जो चौथा है उसको मैं नाम दूंगा डिसइन्फेक्शन। तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से डिसइन्फेक्शन, और चौथी है आपके पास डिसइन्फेक्शन, क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो आपका ट्रीटमेंट यूनिट है, ट्रीटमेंट यूनिट में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या करता है आपके पास? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक करता है कि जितने भी आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करेगा। और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन क्या करेगा कि जो भी उसमें डिजॉल्व पार्टिकल्स है उनको रिमूव करेगा। फिल्ट्रेशन क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि डियर हर लोग फिल्टर का यूज करते हैं, आपके घरों में आरओ लगे होंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन भी यहाँ पे 2 टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है फिल्टर आपका स्लो सेंड फिल्टर हो सकता है आपका रैपिड सेंड फिल्टर हो,
ठीक है। और लास्ट में डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या करता है डियर आपके पास, टू किल द पैथोजोनिक बैक्टीरिया। सर ये पैथोजोनिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? सर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। सारे मैं बताऊंगा, सिर्फ इसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद भी अगर आपका पानी हार्ड रह जाता है, अगर आपके ये जो चार ट्रीटमेंट यूनिट है इसके बावजूद भी अगर आपका पानी हार्ड रह जाता है, तो हम लास्ट स्टेज क्या करते हैं, उसकी सॉफ्टनिंग करते हैं, यानी कि वाटर सॉफ्टनिंग। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज, तो हम क्या करेंगे उसकी वाटर सॉफ्टनिंग। क्लियर है। अब वाटर सॉफ्टनिंग, अब हम यहां से क्या करेंगे, फिर से पानी पास करेंगे, क्योंकि अब पूरी की पूरी तरह का पानी क्या हो गया आपका, ट्रीट हो गया। अब आप इसको किससे पास करेंगे, मेन पाइप से। मेन पाइप से कहां ले जाएंगे आप, एलिवेटेड रिजर्वायर में ले जाएंगे, जो आपके किसी भी सिटी और टाउन में जहां पे पानी स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिवेटेड रिजर्वायर। तो इसका नाम दे दूंगा डियर मैं, एलिवेटेड रिजर्वायर। अब एलिवेटेड रिजर्वायर पे तो पानी रहेगा नहीं, अब आप इसको पंप के थ्रू कहां पे पहुंचा दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो ये आपका आ गया पंप, और पंप के थ्रू कहां पे आ जाएगा आपका, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, आपने क्या किया, सोर्स से पानी को लिफ्ट किया, इंटेक स्ट्रक्चर में स्टोर किया, इंटेक स्ट्रक्चर से पाइप के, पाइप से ले गए, पाइप से कहां पे ले गए आप, ट्रीटमेंट यूनिट में ले गए, और ट्रीटमेंट यूनिट से आप मेन पाइप से एलिवेटेड रिजर्वायर में ले गए, और एलिवेटेड रिजर्वायर से आप पंप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ले गए। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये जितने भी हमने ये कॉम्पोनेंट्स है, ये किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, क्या ये मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किए जाते हैं या मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो इनके बारे में देखिएगा। जो भी आपका सोर्स रहता है, सोर्स किसके लिए डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा सोर्स किसके लिए डिजाइन किया जाएगा, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। और जो भी आपका इंटक स्ट्रक्चर होता है उसको भी किसके लिए डिजाइन करते हैं, उसको भी आप मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। और जो आपका मेन पाइप होता है उसको भी किसके लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और डिसइंफेक्शन किसके लिए डिजाइन करते हैं, एमडीडी के लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। इसको भी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं, और डिसइंफेक्शन को भी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। तो सर फिल्ट्रेशन किसके लिए डिजाइन करते हैं, टू टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड। तो इसको किसके लिए डिजाइन करते हैं, टू टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड। क्यों, क्या है, एवरेज डेली डिमांड। क्लियर है। अब उसके बाद मेन पाइप किसके लिए डिजाइन किया जाता है, इसको भी वाटर सॉफ्टनिंग भी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है। मेन पाइप भी अगेन मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। क्लियर है। और जो एलिवेटेड रिजर्वायर है उसको भी किसके लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। और जो पंप होता है, पंप किसके लिए डिजाइन करते हैं, टू टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड के लिए। तो इसको हम टू टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड के लिए, टू क्यू के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहां पे जितने भी कंपोनेंट्स है, सिर्फ दो कंपोनेंट्स को छोड़कर, फिल्टर को छोड़कर और पंप को छोड़कर, सारे किसके लिए डिजाइन होते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन होते हैं। और जो आपका फिल्ट्रेशन है और पंप है, वो टू टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड के लिए डिजाइन होते हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिजाइन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डिजाइन होता है वो टोटल डिमांड के लिए डिजाइन होता है। किसके लिए, टोटल डिमांड के लिए। अब सर ये टोटल डिमांड क्या है, तो टोटल डिमांड मैंने आपको अभी बताई थी कि मैक्सिमम हावरली डिमांड ये मैक्सिमम होता है, यहां पे मैंने आपको बताई थी टोटल डिमांड ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हावरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का। क्लियर है। तो यहां पे भी हम लिखेंगे टोटल डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं, तो दैट इज ये मैक्सिमम होता है आपके पास, मैक्सिमम हावरली डिमांड का एंड मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड का। क्लियर है। तो ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई यहां पे। ओके सर,
अब सारी हमें सारे डिज़ाइन पैरामीटर्स यहाँ पे पता लग गए हैं। अब सर इसकी डिज़ाइन लाइव देखते हैं। हमने पहले क्या देखा यहाँ पे, पहले तो हमने इसके कंपोनेंट्स की स्टडी की, कंपोनेंट की स्टडी के बाद किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है वो देखा। अब हम इसका क्या देखने वाले हैं कि कितने सालों के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। जो भी डियर आपका सोर्स होता है, सोर्स कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ये 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ये कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, 50 ईयर्स के लिए। और जो आपका इंटेक्स स्ट्रक्चर होता है वो किसके लिए, कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, 30 ईयर्स के लिए। और जो आपका मेन पाइप है वो किसके डिज़ाइनों के लिए, 30 ईयर्स के लिए। और जो भी ट्रीटमेंट यूनिट होते हैं वो कितने सालों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, 15 ईयर्स के लिए। ट्रीटमेंट यूनिट कितने ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स। यहाँ पे मैं पूरा ईयर इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज 30 ईयर्स के लिए आपका मेन पाइप डिज़ाइन किया जाता है। इंटेक स्ट्रक्चर आपका अगेन 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मेन पाइप अगेन यहाँ पे 30 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे दैट इज 30 ईयर्स के लिए, ठीक है। पंप कितने सालों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं आपके, तो पंप डिज़ाइन किए जाते हैं आपके 15 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने सालों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, 30 ईयर्स के लिए। सर यहाँ तो पंप है, और जो पंपिंग होते हैं आपके, पंपिंग हाउस होते हैं, उनको कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उनको 30 सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी डिज़ाइन पीरियड है वो यहाँ पे मैंने सबकी डिज़ाइन पीरियड लिख दी है। तो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट यूनिट कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, एक बार रिपीट करता हूँ। सोर्स कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, 50 ईयर्स के लिए। किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। इंटेक स्ट्रक्चर किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, ईयर 30 के लिए। मेन पाइप भी 30 ईयर्स के लिए और मैक्सिमम के लिए। उसी तरह से ट्रीटमेंट यूनिट कितने सालों के लिए डिज़ाइन की जाती है, 15 सालों के लिए। मेन पाइप आपकी अगेन 30 ईयर्स के लिए, और पंप 15 ईयर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है डियर, क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा मैंने एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। सबसे पहले जो सोर्स रहता है, सोर्स कितने किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। और इंटेक का भी किसके लिए डिज़ाइन कर जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। मेन पाइप भी किसके लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। पाइप एंड पंपिंग हाउस, अगर हम पाइप एंड पंपिंग हाउस की बात करते हैं तो 2 times ऑफ एवरेज डेली डिमांड, दैट इज 2Q, क्लियर है। ट्रीटमेंट यूनिट किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, अगर देखा जाए फिल्टर को छोड़कर तो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, MDD, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, टोटल वाटर डिमांड के लिए, टोटल वाटर डिमांड के लिए। अब सर्विस रिजर्वायर किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, बैलेंसिंग स्टोरेज, फायर स्टोरेज पर टोटल, बैलेंसिंग स्टोरेज प्लस टोटल डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सर्विस रिजर्वायर किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, बैलेंसिंग स्टोरेज प्लस, बैलेंसिंग स्टोरेज प्लस फायर स्टोरेज, फायर डिमांड प्लस एमरजेंसी स्टोरेज, एमरजेंसी स्टोरेज। थोड़ा सा बाहर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है डियर, याद रखना। और ट्रीटमेंट यूनिट एमडीडी के लिए, पर जो फिल्टर रहेगा वो किसके लिए, एमडीडी एंड मैं लिख देता हूं 2 times ऑफ एवरेज डेली डिमांड, ठीक है डियर। अब आपका जो पंप रहता है यहां पे, वो आप जो पंप रहता है उसको तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए करते हैं, बट जो पंपिंग होता है उसको मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए करते हैं, और इसको पंप को 2 times ऑफ एवरेज डेली डिमांड के लिए करते हैं। अब देखो सोर्स को कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, 50 ईयर्स के लिए, और इंटेक्ट को 30 ईयर्स के लिए, और आपका मेन पाइप को 30 ईयर्स के लिए, और आपका पंप एंड पंपिंग 15 एंड 30 ईयर्स के लिए। पंप होता है 15 और पंपिंग होता है 13, क्लियर है। ट्रीटमेंट यूनिट, ट्रीटमेंट यूनिट डिजाइन की जाती है 15 ईयर्स के लिए, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं हम 30 ईयर्स के लिए, और जो आपका सर्विस रिजर्वायर है उसको कितने सालों के लिए डिजाइन करेंगे, दैट इज 15 ईयर्स के लिए। अभी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं ईयर्स के लिए। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, जो पंप होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाएगा, वो डिजाइन किया जाएगा एमडीडी के लिए, मैक्सिमम डेली, सॉरी
पंप किसके लिए डिजाइन किया जाएगा आपका, टू टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, दैट इज 2Q। और जो पंपिंग हाउस है, पंपिंग हाउस को डिजाइन किया जाएगा आपके लिए MDD के लिए। क्लियर है? उसी तरह से ट्रीटमेंट यूनिट में जो बाकी के फिल्ट्रेशन है वो किसको डिजाइन, ये जो 2Q किसके लिए है, फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, याद रखना। और बाकी तो सारा हो ही गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टोटल वाटर। सर ये बैलेंसिंग स्टोरेज क्या होता है, क्वेश्चन ये उठ रहा है आपसे। बैलेंसिंग स्टोरेज कुछ नहीं होता है डियर, जहां से आप पानी सप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेंट रेट से, उसको बोला जाता है बैलेंसिंग स्टोरेज। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये था कुछ इस तरह से एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर था, और यहां से आपका जो पानी सप्लाई हो रहा है वो कैसा पानी सप्लाई हो रहा है, यानी कि जो डिस्चार्ज सप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से सप्लाई हो रहा है। कैसा सप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट रेट से सप्लाई हो रहा है, उस वाटर को हम बोलते हैं बैलेंसिंग स्टोरेज। तो यहां पे लिख देते हैं बैलेंसिंग स्टोरेज, बैलेंसिंग स्टोरेज, जो बैलेंसिंग स्टोरेज क्या होता है, इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, स्टोर्ड इन द रिजर्वायर ड्यूरिंग ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट रेट ऑफ सप्लाई, ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट रेट ऑफ सप्लाई इज नोन एज, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग स्टोरेज। क्लियर है डियर? तो इस तरह से जितने भी आपकी डिमांड्स थी और जितना भी आपका ये पीरियड, टाइम पीरियड था, यहां पे ये जो मैंने आपको ये बताया है, शायद ही आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा, इसीलिए डियर मैंने आपके लिए एक पिक्टोरियल चार्ट बताया। इस पिक्टोरियल चार्ट के थ्रू आप सारे के सारे जितने भी डाटास है वो इजीली याद कर सकते हैं डियर। इससे दो बेनिफिट हो रहे हैं आपको, एक तो आपको डिज़ाइन करना भी आ रहा है, और ऊपर से आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको समझ आ रहे हैं। अगले लेक्चर्स में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे डियर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड।